नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है सोमन पल और आप लोग देख रहे हैं पेट सिंपल नाम का आपका हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज जो बात है आप लोगों से शेयर करना है वह है कि कॉकटेल के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पास कुछ कॉकटेल हैं, ठीक है, कुछ पट्टे हैं मेरे पास जो निकले थे, ये बहुत बड़े हो चुके हैं, ठीक है। करीब इसकी उम्र 1.5 महीने के से 2 महीने तक का होगा, 1.5 महीना होगा, 1 महीने से ज़्यादा इसकी उम्र है। पाइड में है और एक ग्रे में है, दो पाइड में है और एक ग्रे में है। तो आज जो बात आप लोग से शेयर करना है कि आप देख सकते हैं कि कॉकटेल को मैंने कुछ पत्ता टाइप दिया है, ठीक है, जिसको बंगाली में कुलमी साग बोलते हैं। ये बेसिकली एक बेहतरीन सॉफ्ट फूड में से एक है, ठीक है। तो सॉफ्ट फूड देने का बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है, और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो पहले आते हैं फायदे की बात पे। ये है कि एक जंगली जंगली बाड़ है, यह है कि एक जंगली बाड़ है, ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में ये मिलता है, पाया जाता है। तो ये जंगलों में सब कुछ खाते हैं, ठीक है, दाना वगैरह शायद उतना तो नहीं खाता, लेकिन पेड़ पत्ते के रस वगैरह ये बहुत खाता है। जैसे कि देखिए ये जो मैंने पत्ता दिया है, ये पत्ते को चबा चबा कर इसमें जो पत्ते में जो पानी है, ठीक है, जो रस है उसको निकाल के ये खा रहा है, ठीक है, ये ऐसा ही खाता है। तो फायदे पे आते, तो अगर आप डेली बेसिस पे ये देंगे तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत अच्छी बात होगा, ठीक है। रेनी सीजन में या ठंड के मौसम में इसे ज़्यादा मत दीजिए, इसके गर्मी की मौसम में ज़्यादा दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आयरन होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेस भी होता है, ठीक है। इसके जो मंदिर जो पानी के जो रस है उससे बहुत ही इसे फायदा मिलता है आपके बर्ड्स को। तो अब अगर इसे बारिश में या ठंड के मौसम में देंगे, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो साग वगैरह होता है, जो ग्रीन फूड होता है, इसमें पानी बहुत भर जाता है। जब ये पेड़ पे होता है तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो ये अगर बर्ड्स को देंगे तो बर्ड्स इसमें जो कैल्शियम और जो प्रोटीन सोर्सेस जो हैं, आयरन जो है, वो तो खाएंगे ही, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी, ठीक है, पानी की परिमाण, पानी की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बरसात में पानी बहुत ज़्यादा परिमाण में होता है। तो ये पेड़ पौधे के जो नशे हैं, ठीक है, जो डंडिया है, पानी से भर जाएगा। तो आपके बर्ड्स जब खाएंगे तो आपके बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा पानी मिलेगा, तो लूज मोशन होने के चांसेस भी होता है, ठीक है। और गर्मी के मौसम में देने का फायदा यह है कि गर्मी के मौसम में जो बहुत सारे सूरज की रोशनी जब बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो आपको भी देखा होगा कि आपको ग्लूकोज या फिर ठीक है बहुत सारे नारियल वगैरह का पानी बहुत बहुत कुछ पीना पड़ता है, ठीक है, ओआरएस का पानी बहुत कुछ पीना पड़ता है आपके शरीर की नमक की तापमात्रा और नियंत्रण को ठीक रखने के लिए। लेकिन बर्ड्स के लिए भी चाहिए, ये पेड़ पौधे के पत्ते अगर आप इसे देंगे, ठीक है, ग्रीन फूड अगर आप इसे देंगे तो इसमें जो रस होगा ये गर्मी की मौसम में पिएगा, ठीक है, चबा चबा कर रस को पिएगा, और इसे बहुत ज़्यादा शरीर में ठंडक मिलेगी और अच्छा भी लगेगा। ठंड के मौसम में विंटर सीजन में आप इसे नहीं दे सकते, देंगे वीक में एक बार दे सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो पानी होता है, ठीक है, पानी अगर आपने नोटिस किया होगा कि पानी देने का बर्ड्स को एक तरीका होता है ठंड के मौसम में, बेसिकली ठंड के मौसम के लिए है। बहुत सारे ब्रीडर को आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह वो लोग पानी देते हैं और शाम को वो लोग पानी खेत से हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि बर्ड्स का एक नेचर होता है, बर्ड्स सुबह उठकर पानी पीता है, ठीक है। अगर आप पानी अगले दिन का पानी अगर आपने पॉट में रख दिया है तो ठंड के मौसम में, ठीक है, विंटर सीजन में आपने नोटिस किया होगा कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो सुबह अगर आप नींद से उठे, उठने में अगर थोड़ी थोड़ी सी भी देर हो गई, मान लीजिए कि आप 7 से 8 बजे तक उठे, तो सूरज तब तक निकल जाता है, आपके बर्ड्स 5:30 6 बजे उठ के ही पानी पीना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, सुबह उठ के ये पानी पीते हैं। तो अगर पानी केज के अंदर रहेगा तो ये ठंडा पानी पिएगा और इसे बहुत सारे बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे ब्रीडर क्या करते हैं कि पानी सुबह देते हैं ताज़ा फ्रेश पानी और शाम को पानी निकाल देते हैं, ठीक है, शाम को या दोपहर को निकाल देते हैं ठंड के मौसम में। अगर आप ये ग्रीन फूड अगर आप इसे देंगे डेली बेसिस पे विंटर सीजन में, तो ये जो पत्ते हैं
इसके अंदर जो रस होता है वो बहुत ठंडा होता है। ये डेली बेसिस पे अगर खाएंगे इस ठंडे रस को तो इसे बीमारी लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप विंटर सीजन में इसे वीक में एक बार दीजिए, रेनी सीजन में इसे वीक में 2 बार दीजिए, और गर्मी के सीजन में इसे वीक में 4 बार या 5 बार भी दे सकते हैं। ठीक है, उतना मसला नहीं होगा। इसमें बहुत सारे आयरन और प्रोटीन सोर्सेज भी होते हैं। देने का ये बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, अगर आपके बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो आप इसे दे सकते हैं, और इसे देने के लिए आपको बहुत सारे खर्चे भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल ये आपको बाजार से 4-5 रुपए का एक डंडी मिल जाएगा, बहुत होता है। आपको एक टाइम का दाना बच जाएगा, दाना पानी बच जाएगा, इसे खाकर इस रस को खाकर पेट भर लेंगे। और ब्रीड के लिए बहुत बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि ये ग्रीन फूड है। बर्ड्स जो नेचुरली जो खाते हैं वो ये फूड है। तो ठीक है, इसे खा के ये ब्रीड बहुत बेहतरीन करते हैं। और जो दाना पानी, दाना और चावल वगैरह जो होता है उसे थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि समर के टाइम पे दाना थोड़ा कम देने के लिए, क्योंकि दाना गर्मी के मौसम में ये उतना नहीं खाता है। ठीक है, सॉफ्ट फूड ज़्यादा खाता है, फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाता है। फ्रूट जूस देने की कोशिश कीजिएगा, एप्पल जूस, ठीक है, खरबूजा का जूस, ठीक है, और जिसे वाटरमेलन बोलते हैं उसका जूस, अंगूर का जूस, ऐसा जूस देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और ना मिले तो डायरेक्ट फ्रूटी सलाड बना के देने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बेहतरीन होता है। तो दाना समर के टाइम पे तो ये उतना नहीं खाता। और तो बहुत सारे फायदे और नुकसान भी आप लोगों से शेयर किया ग्रीन फूड का। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर कोई भी किसी भी तरह से आप लोगों को कोई भी सहायता कर सकता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाली आइकन भी प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को, वीडियो पसंद आए तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए मेरे चैनल पेट सिंपल। जय हिंद, वंदे मातरम।